प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के हल के लिए चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम की तर्ज पर अब नगर निगम धर्मशाला भी जन शिकायतें सुनेगी। वहीं हर 15 दिन बाद लंबित कार्यों व नक्शों की समीक्षा की जाएगी। ये फैसला नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। शहरवासी अपनी समस्याओं को निगम अधिकारियों व पदाधिकारियों को बता सकेंगे। वहीं इस दौरान जहां लोगों की शिकायतें सुनी जाएगी, साथ ही उनका मौके पर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम के गठन के समय आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को इनमें शामिल किया गया था। हालांकि उस दौरान मर्ज एरिया के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई थी। अब निगम की मांग है कि जैसे शिमला को मर्ज एरिया ग्रांट दी जा रही है, उसी तरह इस वर्ष धर्मशाला को भी मर्ज एरिया के लिए स्पेशल ग्रांट दी जाए। इसके लिए नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया है। आज की बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किया सबके सहयोग से कि हम लोग एक जन शिकायत के लिए एक महीने में एक दिन फिक्स करेंगे, जो कि तीसरा सोमवार होगा। उसमें और पेशे के लोग इसमें आ सकते हैं और अपनी शिकायत उस दिन हमें बता सकते हैं। हम मौके पर भी कुछ काम वो उनके हल करेंगे और उनके अगर कुछ काम जो पेंडिंग होंगे और पेशे कहाँ पेंडिंग होंगे उसके बारे में सारी डिटेल उस मीटिंग में सॉल्व की जाएगी। इससे कॉरपोरेशन में पारदर्शिता जो है काम करेगी।